भाई वो कह रहे हैं कि गुजारिश है कि बवासीर का कोई इलाज बता दे। तुक में मूली बड़ी अच्छी रेमेडी है। तुक में मूली, मूली के बीज ले लें, तुक में सरस है और इसमें जीरा सफेद और कलौंजी, ये सारी चीजें बराबर वजन लेकर इनको बारीक पीस लें और हाफ टी स्पून हर खाने के बाद इस्तेमाल करें सुबह दोपहर शाम। तो बवासीर खूनी है चाहे बादी है, इंशाल्लाह उसमें आराम आएगा। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर ने मुख्तसर अंदाज में बता दिया। तो जी एक और सवाल है कि कह रहे हैं भाई साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम सलाम जी, वालेकुम वरहमतुल्लाह सलाम। वबरकातुहू। वो कहते हैं कि एक ज़ाइफ़ा है जिनकी उम्र 55 साल है, उनको खांसी आ रही है, बहुत तकलीफ है, कोई इलाज बताओ। हाँ जी बिल्कुल, ज़ईफ़ा है, जिगर तो स्लो डाउन है इस वक्त, इस वजह से तो जिस्म में उतनी हरारत नहीं है जितनी जरूरत है। तो यही तो मसला है कि जब जिगर जो है ना वो अपना काम वर्किंग कम कर देगा तो बस फिर बहुत से जो मस्कन सारे शुरू हो जाएंगे। और वैसे भी जो खांसी है ना ये मौसम के एतबार से बहुत तंग करती है, तो इसमें ये है कि नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें और गरारे लाजमी किया करें, पानी में नमक डाल के उसके गरारे किए जा सकते हैं। और जिसको हम कुछ भी नहीं समझते, ग्लाइसरीन को हम कम से कम बिल्कुल अपने खुराक में डालने के लिए कम इस्तेमाल करते हैं या रेमेडीज का पता नहीं, तो मैं इसमें ज्यादा मुश्किल बात बताती नहीं। जैसे कि खांसी लगी है चाहे खुश्क है चाहे बलगमी है, वो निकलती भी मुश्किल से, मुंह में बंदे की खांसी जो ना निकलती आती है लेकिन बलगम खारिज नहीं होती। तो अगर वो थोड़ा सा ग्लाइसरीन को अपने मुंह में डाल के चूस सकती है, मतलब एक खुद एक ड्रॉप है और उसको पी लें, मेरे हाफ टी स्पून को पी जाए चले, तो वो इतना उसका जो ना रैशेज जो हुए हैं खुराक की नाली वो इंशाल्लाह ठीक हो जाए। तो ग्लाइसरीन उनके लिए बहुत अच्छी है, गरारे करें, अमलतास का कहवा इस्तेमाल करें। और इसके लिए मैंने अपनी वीडियो बनाई है नजला हार के नाम से, तो उसका इस्तेमाल कीजिए इंशाल्लाह आराम आएगा। आप मेरे चैनल का विजिट करें, आरवर बुलवर्ड पे नजला जुकाम का इलाज है अमलदास का कहवा, तो वो इंशाल्लाह उससे इनके लिए बहुत अच्छा इनके लिए इलाज है। जी जो ऐसे ऐसे इंसानियत चैनल के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम तर नोटिफिकेशन से बाखबर रह सकें।